हेलो फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर है हमारा पजल का। ये पजल आपको एस डी आई पी ओ मेन्स में देखने को मिल सकता है। ये पजल आप जो देख रहे हैं, मैंने अन अकेडमी ज्वाइन कर लिया है और अन अकेडमी पर मेरा जो कोर्स है पजल का, उसको आप लोग सेव और इनरोल कर लीजिए और हमको फॉलो कर लीजिए, ताकि हम जो इस तरह का पजल अपलोड करें तो आप देखिए उसको और सीखिए कि पजल कैसे बनाते हैं। क्योंकि मेरा पहले से स्लोगन रहा है कि इस चैनल पे आपको सिर्फ पजल बना के दिखाया नहीं जाता है, आपको पजल बनाना सिखाया जाता है। अगर आप लोग नए हैं तो मेरा चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट सिटिंग अरेंजमेंट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये क्या क्या रहा है पजल। बहुत बड़ा पजल है तो हिंट भी बहुत सारी है, और देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। पहले तो ये हिंट समझिए, इतनी हिंट। 10%, एक वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी एंड ई लिव इन अ बिल्डिंग ईच हैविंग 3 फ्लैट। फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3। फ्लैट 1 है यहाँ पे, फ्लैट 1, फ्लैट 2 एंड फ्लैट 3 इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब तीन फ्लैट है, 1, 2, 3 अभी तक यहाँ पे ये पता चला। ईच फ्लैट इज बिल्ड इन अ सच अ वे दैट फ्लैट 1 ऑफ द सेकंड इज जस्ट अबव द फ्लैट 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर एंड सो ऑन। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, ऑरेंज, गुआवा, लीची, पपाया, एवोकाडो, चेरी, पाइन एप्पल, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड अबव इट नंबर 2 एंड सो ऑन। टॉप फ्लोर इज नंबर 4। मतलब कि तीन फ्लैट है, 1, 2, 3, और ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, उसके ऊपर 2 है, उसके ऊपर 3 है, उसके ऊपर 4 है। मतलब कि फर्स्ट फ्लोर हो गया मेरा, सेकंड फ्लोर हो गया और ये थर्ड फ्लोर हो गया। तो अब आइए देखते हैं हम लोग हिंट को। ये कोर हिंट है ये वाला, हम लोग कोर हिंट हो गया मेरा, उसको ऊपर अगर आपको हम हटा दिया और ये दोनों कोर हिंट है, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पजल को। तो आइए देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, सी सी लाइक्स एवोकाडो, सी लाइक्स एवोकाडो एंड लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर बट नॉट इन ऑड नंबर फ्लोर। सी को एवोकाडो पसंद है और लोअर मोस्ट फ्लोर मतलब कि फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, और एवोकाडो पसंद है इसको, बट नॉट इन ऑड नंबर फ्लैट, मतलब ऑड नंबर फ्लैट में ये नहीं है, सी नहीं है। ठीक है, डब्ल्यू एंड द वन हु लाइक्स पाइन एप्पल, W and the one who likes pineapple lives on the same floor. W और जिसको pineapple पसंद है same floor पे है। Y and Z lives on floor number 3. Y और Z floor number 3 पे रहते हैं। Y lives just above the floor who lives in vacant floor. मतलब vacant floor के just immediate ऊपर Y है। तो देखिए यहाँ मैंने sign देखे immediate लिखा है। ये मैं ऐसे ही शो करता हूँ। अगर आप लोग नए चैनल पे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा मैं हिंट को कैसे कॉम्पैक्ट करके लिखता हूँ। ओनली वन फ्लोर इज देयर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच एक्स एंड डी लिव्स। एक्स और डी के बीच में सिर्फ एक फ्लोर है। डी लिव्स इमिडिएटली राइट ऑफ ए फ्लैट, मतलब ए फ्लैट की इमिडिएटली राइट है। देखिए यहाँ पर मैंने ए के लेफ्ट साइड में डी लिख दिया है, लेकिन यहाँ जैसे ही मैंने साइन लेके इमिडिएटली के नीचे आर लिखा है कि इमिडिएट राइट है, तो मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैंने अगर जल्दी में लेफ्ट साइड में भी नोट डाउन कर लिया है, लेकिन ये देख के मैं समझ जाऊँ कि इमिडिएटली राइट है। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी तरीके से लिखा है जैसे भी आप समझ सकें। द वन हु लाइक्स ग्रेप्स डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर हैविंग वैकेंट फ्लोर। तो ग्रेप्स वाला जो है ना, जिस फ्लोर में ग्रेप्स है, जिस फ्लोर में मतलब कि ये वाला, जिस फ्लोर में ग्रेप्स है वहां वैकेंट फ्लोर नहीं हो, वहां वैकेंट फ्लैट नहीं होगा। ठीक है, और क्या बोला है, द वन हु लाइक लीची लिव्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक चेरी। चेरी के इमीडिएट लेफ्ट, देखिए आई एल इमीडिएट लिख करके मैंने नीचे एल लिखा है कि चेरी के इमीडिएट लेफ्ट लेफ्ट में लीची है। और द वन हु लाइक्स पपाया लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक्स ग्रेप्स। पपाया के इमीडिएटली ऊपर में ग्रेप्स है। ठीक है, यहाँ और आइए क्या बोला, द वन हु लाइक्स ऑरेंज डज नॉट लिव एन इवन नंबर फ्लोर। ऑरेंज जिसको पसंद है वो इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है, मतलब इवन फ्लोर पे नहीं है, मतलब कि 2 और 4 में नहीं होगा, ये सेकंड एंड फोर्थ में जिसको ऑरेंज पसंद है वो नहीं है। और क्या बोला, द टू वैकेंट फ्लैट्स आर ऑन इवन नंबर फ्लोर। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द टू वैकेंट फ्लैट आर ऑन इवन नंबर फ्लोर एंड ऑड नंबर फ्लैट। इवन फ्लोर पे है, 2 वैकेंट है, यहाँ से हमको पता चले कि 2 वैकेंट है, इवन फ्लोर पे है और ऑड फ्लैट पे है। और आगे क्या बोल रहा है, बट आरंट ऑन द सेम फ्लोर और ऑन द सेम फ्लैट, मतलब सेम फ्लोर और सेम फ्लैट पे नहीं है, लेकिन इवन फ्लोर और ऑड फ्लैट पे है। ओके, अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, वी लाइक्स एप्पल एंड लिव वी लाइक्स एप्पल एंड लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर एंड इन ऑड नंबर फ्लैट। वी को एप्पल पसंद है और ऑड नंबर फ्लोर और ऑड नंबर फ्लैट पे रहता है।
और उसके आगे क्या बोल रहा है, डी लिव इन द फ्लैट जस्ट अबव द फ्लैट इन विच डब्ल्यू लिव। बी जो है डब्ल्यू के इमीडिएट ऊपर फ्लैट पे है, तो यहाँ मैंने इमीडिएट शो कर दिया है। अब आगे क्या बोल रहा है, डब्ल्यू लिव इन द लोअर मोस्ट, देखिए यहाँ पे ये लाइन रिपीट हो गई, यहाँ से दिक्कत है। डब्ल्यू लिव इन द लोअर मोस्ट फ्लोर, तो डब्ल्यू लोअर मोस्ट फ्लोर पे है, मतलब कि फ्लोर नंबर वन पे है। द वन हु लाइक्स गुआवा लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर एंड इवन नंबर फ्लैट, जिसको गुआवा पसंद है वो ऑड नंबर फ्लोर पे है और इवन नंबर फ्लैट पे है। और विच इज टू द लेफ्ट ऑफ विच फ्लोर, मतलब जिसको गुआवा पसंद है ना, जो गुआवा पसंद है जिसको, वो वी के लेफ्ट फ्लैट में रहता है। वी यहाँ है तो इसके लेफ्ट साइड में गुआवा है, और वो ऑड नंबर फ्लोर है और इवन नंबर फ्लैट है जिसमें गुआवा है। द वन हु लाइक्स लीची लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर एंड इन ऑड नंबर फ्लैट, जिसको लीची पसंद है वो इवन नंबर फ्लोर पे है और ऑड नंबर फ्लैट। लीची जिसको पसंद है वो इवन फ्लोर पे है और ऑड नंबर फ्लैट। तो इस पूरे हिंट को मैंने, इस पूरे पजल को मैंने हिंट के तौर पे यहाँ लिख लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है ऐसे लिखना। अब देखिए हम लोग इसको आगे कैसे बनाएंगे, पर हिंट बहुत सारी है, तो क्योंकि ये मेंस लेवल का पजल है, तो अब देखिए इस सारे हिंट में से हम कौन से हिंट को हम लोग लें कि हम पजल अपने स्टार्ट कर सके। तो देखिए यहाँ पे एक हिंट थी ना कि सी को एवोकाडो पसंद है, सी फर्स्ट फ्लोर पे है और सी ऑड नंबर फ्लैट पे नहीं है। ऑड फ्लैट पे नहीं है तो वन और थ्री में नहीं होगा, और सी फर्स्ट ही फ्लोर पे है, मतलब ये फ्लोर हो गया फर्स्ट फ्लोर, तो एक ही जगह बची ना कि सी को यहाँ पुट कर दें। तो हम सी को यहाँ पुट कर दिया, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, सी को यहाँ पुट कर दिया दोनों पॉसिबिलिटी में। और सी को क्या पसंद है, एवोकाडो पसंद है, तो सी के पास एवोकाडो लिख दिया। अब देखिए जैसे ही सी को हम यहाँ पुट किया, मेरे पास एक और हिंट थी डब्ल्यू से लेकर के, कि डब्ल्यू और पी पाइनएप्पल एक ही फ्लोर पे हैं, फ्लोर मतलब कि हॉरिजॉन्टल वे में बात हो रही, एक ही फ्लोर पे हैं। और यहाँ हिंट है कि डब्ल्यू जो के इमीडिएट ऊपर बी है और डब्ल्यू जो है फर्स्ट फ्लोर पे है, तो यहाँ डब्ल्यू आ सकता है, उसके ऊपर बी यहाँ आ सकता है, तो डब्ल्यू यहाँ आ गया तो पाइनएप्पल यहाँ आएगा, और डब्ल्यू यहाँ आ सकता है सेकंड केस में, बी यहाँ आ सकता है और फिर पाइनएप्पल यहाँ आएगा। तो हम लोग यहाँ तक इसको कोड को डिकोड कर पाए हम लोग पजल को। अब आगे चलते हैं, देखिए यही मैंने पुट करके दिखाया है आपको साफ साफ। तो अब देखिए इसके बाद कौन सा पुट करेंगे, तो इसके बाद कौन सी हम हिंट उठाएं। देखिए इसके बाद एक बहुत अच्छी हिंट दी गई है कि गुआवा जो है वो ऑड फ्लोर और इवन फ्लैट पर है, ऑड फ्लोर इवन फ्लैट, तो ऑड फ्लोर कौन सा बचा, थ्री बचा। अब देखिए मैंने यही हिंट क्यों उठाई, क्योंकि यहाँ पे ऑड फ्लोर बचा है, ऑड फ्लोर में मेरा ये पहला फ्लोर में पाइन एप्पल एवोकाडो आ चुका है, यहाँ तो गुआवा आ नहीं सकता है क्योंकि वी के लेफ्ट में है, तो एक ऑड फ्लोर में पास थ्री ही ऐसा मिला, ठीक है, जो कि गुआवा आ सकता है वी के लेफ्ट में। ऑड फ्लोर भी होना चाहिए इवन फ्लैट, इवन फ्लैट ये हो गया, ऑड फ्लोर ये हो गया, तो गुआवा मेरा यहाँ आ जाएगा और किसके लेफ्ट में, वी के लेफ्ट में है, तो वी यहाँ आ जाएगा। वी को क्या पसंद है, और वी के बारे में भी हमको पता है इन्फॉर्मेशन कि वी को ऑड फ्लोर और ऑड फ्लैट चाहिए, ऑड फ्लैट ऑड फ्लोर, तो वी मेरा यहाँ पुट हो रहा है, और वी को एप्पल पसंद है तो यहाँ एप्पल आ जाएगा। तो दोनों केस में ओ यही गुआवा आ जाएगा इस वाले केस में, और यहाँ वी और एप्पल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लीजिए, यहाँ गुआवा आ गया, यहाँ वी, यहाँ गुआवा आ गया, यहाँ वी, यहाँ वी के साथ एप्पल भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी हिंट उठाए, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए अब आपको क्या फील होता हुआ दिख रहा है, फर्स्ट फ्लोर फोर्थ हिल हो चुका है, थर्ड फ्लोर कुछ कुछ हिल हो चुका है, तो हम लोग देखते हैं कुछ फर्स्ट या थर्ड फ्लोर से कुछ रिलेटेड हिंट है। तो एक हिंट है वाई एंड जेड दोनों थर्ड फ्लोर पे है, और वाई से रिलेटेड है कि वाई जो है वैकेंट के इमीडिएटली ऊपर है, ठीक है। तो इस वाले हिंट में देखिए, इस वाले हिंट में वाई वैकेंट के इमीडिएटली ऊपर है, तो यहाँ तो वैकेंट नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ वैकेंट आएगा तो इस वाली पोजीशन पे वाई आना चाहिए, तो वैकेंट तो यहाँ नहीं आएगा, वैकेंट यहाँ आ जाएगा और वाई यहाँ आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वैकेंट यहाँ आएगा ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वैकेंट के बारे में हम लोग को बताया हुआ है कि वैकेंट दो फ्लोर ऐसे हैं जो वैकेंट हैं, और इवन फ्लोर और ऑड फ्लैट पे हैं, लेकिन ये फ्लैट नंबर तो टू है, इवन फ्लैट है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल हो गई, ओके, जो ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल हो गई। अब हम कौन सी हिंट पुट करें इसमें, इसमें भी देखिए मेरे पास वैकेंट को लेकर के है कि इवन फ्लोर और ऑड फ्लैट पे हैं, ठीक है, तो इवन फ्लोर और ऑड फ्लैट, फ्लैट नंबर तो टू आ रहा था इसमें, लेकिन फ्लोर नंबर भी तो टू आ रहा था, इसलिए ये पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल हो गई थी। इस वाली पॉसिबिलिटी में वही हम वैकेंट पुट करते हैं, तो वैकेंट तो यहाँ नहीं आ सकता है, तो वैकेंट यहीं आ जाएगा और इसके ऊपर में वाई यहाँ आ जाएगा,
तो ये वाली पॉसिबिलिटी लेकर के हम लोग कंटिन्यू करते हैं, यहाँ वैकेंट आ गया, यहाँ वाई आ गया, अब हम लोग कौन से हिंट उठाएं। तो अब देखिए ये वाली पॉसिबिलिटी तो मेरी कैंसिल हो चुकी है, अब जो काम करना है हमको इसी पॉसिबिलिटी में करना है। हम लोग कौन कौन से हिंट यूज कर चुके हैं, ये हिंट यूज कर चुके हैं, यहाँ वाई और जेड थर्ड फ्लोर पे है तो वाई जेड यहाँ आ जाएगा क्योंकि वी आ चुका है, ये भी पॉसिबिलिटी यूज कर चुके हैं। डब्ल्यू और पाइन एप्पल एक फ्लोर पे, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर चुके हैं। वैकेंट के ऊपर वाई है, ये भी यूज कर चुके हैं। और कौन सी यूज कर चुके हैं हम लोग, अब देखिए एक है कि ए के इमीडिएट राइट पे डी है और एक्स और डी के बीच में एक है, तो अगर हम ए यहाँ पुट करेंगे तो डी यहाँ आ जाएगा, लेकिन डी से एक छोड़ करके एक्स तो नहीं रख पाएंगे तो यहाँ हमारा ए पुट नहीं होगा। ए को हम यहाँ पुट कर सकते हैं और डी यहाँ आ जाएगा, एक छूट करके एक्स यहाँ आ जाएगा, ये मेरा पुट हो गया। और वैकेंट दो थे तो एक वैकेंट यहाँ हो जाएगा और ये वाला फ्लैट वैकेंट हो गया, मतलब दूसरा फ्लैट हमको वैकेंट खोजना ही नहीं पड़ा। और देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है, इवन फ्लोर ऑड फ्लैट इवन फ्लोर, ठीक है, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। अब आगे चलते हैं, यहाँ वैकेंट हो गया, यहाँ वैकेंट हो गया, ए डी एक्स आ गया, अब कौन सी हिंट पुट करें। तो देखिए ऑरेंज के बारे में दिया हुआ है कि ऑरेंज जो है इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है, तो इवन फ्लोर पे नहीं मतलब दो और चार पे नहीं है, मतलब एक यही जगह बची ऑरेंज आने की, तो यहाँ पे मेरा ऑरेंज आ जाएगा। अब जैसे ही मेरा यहाँ पे ऑरेंज आ गया, अब मेरे पास कौन सी हिंट बची, अब मेरे पास ये देखिए एक ये हिंट बची हुई है कि ग्रेप्स के इमीडिएटली ऊपर का पपाया है, तो कोई दो जगह खाली चाहिए, तो यही एक दो जगह खाली मिल रही है, तो यहाँ ग्रेप्स आ जाएगा, यहाँ पपाया आ जाएगा, एक ये पुट हो गया। और दूसरी एक हिंट क्या है, एक हिंट ये है कि कौन सी हिंट है, एक ही हिंट ये है मेरी कि चेरी के इमीडिएट लेफ्ट में लीची है, तो यहाँ चेरी पुट हो जाएगा और इसके इमीडिएट लेफ्ट में लीची यहाँ ए पे पुट हो जाएगा। तो यही देखिए यहाँ चेरी पुट हो गया और यहाँ ए लीची पुट हो गया। तो ये मैंने अन अकेडमी ज्वाइन किया है ना, अन अकेडमी, तो उसमें मैंने जो कोर्स बनाया है उसका ये पजल है, आप लोगों को वहाँ ये पजल देखने को मिलेगा और इसके अलावा भी और सारी पजल अपलोड होगी वहाँ, तो वहाँ भी हमको फॉलो करके लिखिए कि वहाँ जो जी के जी एस सिंप्लीफिकेशन आपको करंट अफेयर्स इंग्लिश रीजनिंग मैथ के जो लेक्चर वहाँ अपलोड करें ना, तो वहाँ भी आप लोग हमको फॉलो कर लीजिए। और यूट्यूब पे तो लेक्चर चलता ही रहेगा, लेकिन दोनों जगह फॉलो कीजिए। सिलेक्शन लेना है ना जी, सिलेक्शन लेना है, जहाँ से आप सीख सके हैं वहाँ से सीखिए और सिलेक्शन लीजिए। ओके, आपको कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इस लेक्चर को। ओके, थैंक यू।